आइए आपको अपना नमस्कार, आप लोगों को गुड आफ्टरनून। आज मैं बोलता ही जा रहा हूँ तो उसमें मेरी अगला वीडियो है, सुनिए ध्यान से। आज मैं आपको बताता हूँ कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करनी है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैंने 4 साल तैयारी की थी, मैंने प्री निकाले थे लेकिन मैं मेंस वेंस नहीं निकाल पाया। कारण ये है कि मैं कुछ ज़िद्दी टाइप का था और मैंने ये गलती करी थी कि मैं बिना कोचिंग के निकालूंगा, ठीक है, मैं कोचिंग करूंगा ही नहीं, मैं ऐसे निकाल दूंगा। ये गलती मत करिएगा, हमेशा कोचिंग कर लीजिएगा, जहाँ पे भी अवेलेबल हो बढ़िया से सिविल सर्विसेज की बेस्ट कोचिंग, गो फॉर इट एंड ऑप्ट फॉर इट। चलिए शुरुआत करते हैं। पैटर्न हर साल बदलता रहता है, हर साल कुछ ना कुछ नया ऐड होता रहता है, ठीक है जी, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहे सिविल सर्विसेज PCS हो चाहे IAS हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पिछले 10 सालों 15 सालों के पेपर उठा के देख लीजिए आप, तरह तरह की कंपनीज वो आते रहते हैं पेपर्स, उनको उठा के पी लीजिए, समझ लीजिए, जो भी आप कुछ कर सकते हैं करिए। आपकी रीजनिंग भी ठीक होनी चाहिए, आप देख लीजिए कितने कितने क्वेश्चन किस चीज़ के आ रहे हैं, खुद ही देख लीजिए, खुद ही करिए और खुद ही देखिए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए थोड़ा उसको। पिछले पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सब चीज़ें आ रही हैं, पैटर्न इस तरीके से चल रहा है, ये प्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये सब टॉपिक्स हैं उसमें, मतलब ये आ रहा है, ये पूछा जा रहा है। अब उसकी तैयारी के लिए सबसे बढ़िया है कि NCERT की सारी किताबें, क्लास 5th से लेकर के या 4th से लेकर के क्लास 12th तक NCERT की सारी किताबें GS के लिए पढ़ डालिए, बी इट हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बी इट एनीथिंग, बायोलॉजी, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी कुछ आपको किताबें समझ में आती सब पढ़ डालिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट साइंस की पढ़िए, आर्ट्स के स्टूडेंट आर्ट्स की पढ़ डालिए, ठीक है, पर सारी पढ़ डालिए। वो आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट के साथ याद होनी चाहिए कि क्लास 8th की मैं कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 ये कहता है, आर्टिकल 14 ये कहता है, आर्टिकल 14 इक्विटी, आर्टिकल 15 ये, आर्टिकल 16 में ये, आर्टिकल 17 में ये, याद होना चाहिए आपको, ठीक है, आर्टिकल 22 ये कहता है। तो यू हैव टू लर्न इट थरली। NCERT की किताबें पी लीजिए, उसके साथ सब प्रिस्क्राइब बुक्स आती हैं, जैसे DD Basu कहते हैं उसके लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए है, वो सब स्पेसिफिक किताबें हैं, या वो हिस्ट्री के लिए चंद्रा जी की किताब है वो पढ़ लीजिए, और किताब एक दो आती हैं, बिपिन चंद्रा की बुक है, अच्छी बुक है। तो एकदम स्पेसिफिक बुक्स वो आपको आजकल मिली जाएंगे, इतनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ गई, उस पहले तो इंटरनेट था नहीं, अब तो सब कुछ इंटरनेट में अवेलेबल है, ठीक है। वो जो अनअकैडमी वाले हैं वो भी, उनके वीडियोज़ आप देख लीजिए, वो भी गाइड करते रहते हैं, उनको देख लीजिए, पर ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप करते रहिए, इन किताबों को इतनी आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। उसके बाद आता है मेंस। मेंस में ऑप्शनल की बात है, देखिए ऑप्शनल चूज़ करते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए सिविल में। मैंने यही गलती करी थी, मैंने बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट ले लिया था, मैंने बॉटनी और जूलॉजी से IAS और PCS भर दिया दोनों बार, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी मैंने दिया। तो इतनी ज़्यादा किताबें आप मानेंगे नहीं, बायोलॉजी की 16 किताबें हैं, ठीक है, उनको सबको पढ़ना पड़ता है, 16 बुक्स इतनी मोटी मोटी हैं सब, और 16 बंडल लगा दो यहाँ तक आएगा कम से कम, ठीक है, 16 बुक्स थी। और वहीं अपनी ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस ले लो, वो पब्लिक एड ले लो, उसकी 2 बुक होती हैं। तो इवन अगर आप साइंस में एकदम आपका महारत हासिल नहीं है, जैसे आप डॉक्टर या इंजीनियरिंग किए हुए मैथ्स लेके, तब तो आपका ऑप्शन वही बचता है कि आप वहीं से सिविल की तैयारी करो, वही सब्जेक्ट लेके, लेकिन वो भी लोग कभी कभी चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप महारत नहीं आपको हासिल है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट चेंज कर लो, आप आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लो, ह्यूमैनिटेरियंस ले लो, ये सब चेंज कर लो, साइकोलॉजी ले लो, पब्लिक एड ले लो, ज्योग्राफी ले लो, ये सब्जेक्ट ईजी पढ़ते हैं हर हाल में, और ये दोनों तरफ से फ़ायदेमंद भी होते हैं। वैसे फ़ायदेमंद तो वो भी होते हैं PS में, लेकिन ये ज़रूर गलती मत करना, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट्स जो है ना बहुत भारी होते हैं, और उनको पढ़ पढ़ के आप थक जाओगे, इतनी ज़्यादा पढ़ाई है उसमें, जब तक कि आप उसको एकदम डूबे ना हो रस में। जैसे BA करते हुए साथ में तैयारी कर लो, BSc करते हुए साथ में, तो एकदम PA हो तब तो ठीक है, नहीं तो PA हो अगर नहीं है उतना, तो आपको फिर सब्जेक्ट चेंज कर लेना ही बेटर ऑप्शन है। और धीरे धीरे करके ऑप्शनल सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है, वो जनरलाइज करते जा रहे हैं चीज़ों को UPSC वाले, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब बाकी क्या, आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें डिटेल से पढ़िए। अब वो तो आपको कोचिंग वाले बताते रहेंगे कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, हिंदू जैसे अच्छा बेटर पेपर है उसका एडिटोरियल पढ़िए, इसका ये पढ़िए, करंट न्यूज़ अफेयर्स जुड़ते रहिए, योजना एक वीकली मैगजीन आती है वो आप ले लीजिए, साल भर का एक वो आता है इकोनॉमिक सर्वे वो आप देखिए, ठीक है। तो देर आर बेसिक थिंग्स, सो NCERT इज़ अ मस्ट। ऑप्शनल को चूज ढंग से करिए, ठीक है, DD Basu, बिपिन चंद्रा जैसी बुक्स ले लीजिए, उसके अलावा आप न्यूज़पेपर ले लीजिए हिंदू, आप योजना मैगजीन ले लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे ले लीजिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल कोर हैं और बेस हैं सिविल का, ठीक है। इनको अगर आप ले लेंगे तो यू कैन ईजीली मेक अ करियर इन दिस सिविल सर्विसेज।
मेंस उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस लिखने की कला के लिए आर्ट आपको आनी चाहिए बस। मैं आपको बता दूं प्री मुझे ज़्यादा कठिन लगता है मेंस देने से, क्योंकि प्री मेंस आसान रहता है क्योंकि बिकॉज बस आपको लिखना आना चाहिए, वो उतना तो आ ही जाता है कि करंट में ये है ये आ रहा है तो उसी में से रिलेटेड आएगा, वो आप थोड़ा बहुत गैस भी याद निकल लेता है, ठीक है। लेकिन प्री में इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, खास करके IAS में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन छिपे होते हैं, वो एक में ये तो इसलिए थोड़ा सा वो मुझे तो प्री ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है IAS का। खैर आप कुल मिला के दीजिए, ठीक है। तो ये सब अगर चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और इन बुक से आप पढ़ेंगे, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। ये आपको 100% हेल्प करेगा लिखने की आर्ट, और कोचिंग जरूर करिए कोई बढ़िया, जैसे मुखर्जी नगर दिल्ली में कई कोचिंग्स हैं इसके लिए, ठीक है। अब नाम मुझे एक तो याद नहीं है, मेरा एक फ्रेंड था वो गया था, वो हो गया सेलेक्ट, ही वॉज सेलेक्टेड बिकॉज ही डिड अ कोचिंग। सो नेवर यू नो डोंट मिस अ कोचिंग, क्योंकि उनको गाइडेंस उनको रहता है, उनको करंट का पता रहता है, ठीक है। आजकल तो शायद कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप कोई ऐप में ही कोर्स आ जाता होगा ये भी कर सकते हैं। तो इंटरव्यू की जहाँ तक बात है, इंटरव्यू में बी व्हाट यू आर एंड ऑलवेज ऑनेस्ट इन एनी इंटरव्यू, यू नो यू हैव टू बी ऑनेस्ट, दैट इज़ द कोर थिंग ऑफ एनी इंटरव्यू इफ यू वांट टू पास इट। बाकी वो सब आपके हॉबीज़ इंटरेस्ट और चीज़ों के बारे में, उसमें आपको इनडेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ओके। एंड नेवर लाई, आप कई इंटरव्यू देख सकते हैं यूट्यूब में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप सिविल सर्विसेज निकाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू।